Okay, so Recording in progress. let us start. Thermodynamics. आवाज आ रही है ना ऑनलाइन वालों को? ओके ओके, थैंक यू। सो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या सिलेबस कवर करेंगे? सो इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ इज वेरी सिंपल बट लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी मेड। ठीक है, ऐसे तो बिल्कुल ही सिंपल सा लॉ है बट यू विल सी कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स बनाकर हम लोग बहुत टाइप के क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो पूरा स्टडी होगा दैट विल बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि थ्योरेटिकली इट इज़ वेरी सिंपल, ऑलमोस्ट कुछ भी खास बताने के लिए नहीं है, बट जब प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स बनती हैं, तो द रिकमेंडेशन इज फॉर IIT जैम स्टूडेंट्स, there is a book by Garg Bansal, you can recommend it, you can see this Garg Bansal and Ghosh, theek hai, but only for thermodynamics, theek hai, JAM students can see it for statistical also, but for our NET students RK Patharia is better book for स्टैटिस्टिकल। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मुझे इरुडोव की पसंद है, वो भी मैं कराऊंगा आपको, सम ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स आर गिवन इन इरुडोव और उस टाइप के क्वेश्चन जैम में आए भी हुए हैं। ठीक है, तो वहां से भी हम लोग क्वेश्चंस पिक करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर सबको करना है, कॉमन है, जैम स्टूडेंट जो हैं उनको भी प्रीवियस ईयर नेट का करना है बिकॉज ये तो बिल्कुल ही कॉमन टॉपिक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और आप लोगों को जैम का करना है टू मेक अ गुड ग्राउंड, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन जैम में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो क्लास में भी मैं PYQ डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आ जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें फिर हम पढ़ेंगे इंजन, हीट इंजन, ठीक है, हीट इंजन जो कि किस पे बेस्ड होगा, कार्नोट साइकिल। ओके, देन कम्स कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, इसको मैं सेपरेट लिख रहा हूं, यू विल नेवर फाइंड अ क्वेश्चन पेपर विदाउट एंट्रोपी, इट इज सो इंपॉर्टेंट कि किसी ना किसी फॉर्म में एंट्रोपी पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, तो एंट्रोपी पे बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे समझने के लिए कि हाउ टू। अच्छा, एक बात आपको पहले से ही बता दे रहा हूं मैं, इसमें क्वेश्चन रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अलग अलग सिस्टम्स को समझने के लिए जैसे कई सारी बातें दी नहीं होती हैं बट हमें उसको समझना होता है कि हाँ, इफ इट इज नॉट गिवन दैट, सपोज आउटसाइड वर्ल्ड से कोई सिस्टम अगर इंटरैक्ट करता है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो गया,
how much energy it is taking, how much heat it is giving. So that way it is complicated. So if that is not given, it means you have to just consider the system. फिर आपको ये नहीं सोचना है कि बाहर से कोई हीट आ रही है जा रही है, बाहर से नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं. तो इसलिए रीडिंग ऑफ क्वेश्चन, ये सब लोग इसको अपनी कॉपी में लिखा करो जो मैं लिखता हूं. क्योंकि कई बार बाद में कॉपी खोलते हो आप, पढ़ते समय क्लिक करता है, उसी समय आप अपने आप को अलाइन करते हो, तो दैट्स व्हाई लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन एंट्रोपी वी विल डू, एंड देन ये पूरा सेक्शन जो है इसमें हम लोग थोड़ा फेज ट्रांजिशन भी करेंगे. ठीक है, फेज ट्रांजिशन. फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है. तो नाउ लेट अस स्टार्ट. दिस इज द आउटलाइन ऑफ द सिलेबस, व्हाट वी वांट टू डू. एंड जब फर्स्ट लॉ हम पढ़ रहे होंगे तो वी विल फोकस अ लॉट ऑन स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट, तो इसको भी सेपरेट लिख लो सो दैट वो की वर्ड आपके पास हो जिस पे आपको फोकस करना है. ठीक है ना. सो नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अबाउट, in a single word we can say that it is about conservation of energy. Conservation of energy. First law is simply about conservation of energy. तो ऐसे मान के चलो कि suppose you have a system like this. एंड सिस्टम में कुछ भी मान लो, सपोज वाटर मॉलिक्यूल, लिक्विड मान लो, गैस मान लो, वट एवर यू वॉन्ट टू कंसिडर. तो सपोज आई कंसिडर गैस मॉलिक्यूल्स लाइक दिस. ओके, दिस इज योर सिस्टम. वॉट इज सिस्टम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं? वॉट इज सराउंडिंग अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम इज सराउंडिंग. ओके, दिस इज द system. Now if you give some amount of energy to this system, so suppose that amount of energy is heat energy, I am writing it dq. इसको मैं dq से लिख रहा हूं. So मान लो मैंने dq amount of energy दिया, तो ये मान लो 5 joule है. Numbers के टर्म में देखो, it is 5 joule. So 5 joule will be going into this gas. तो ये gas हो सकता है उसका थोड़ा part use कर ले, 5 joule में से 3 joule use कर लिया, and rest of the part इस system के expand होने में use हो जाए. So some part is taken by the molecules, the gas molecule or water molecule. And rest of the part is spent in expanding the system. So this is dq du and this is dw. So man mein soch ke chalo ki this is suppose 5, this is 3 and this is 2. Because the energy is conserved, so nothing will be lost. So dq is equal to du plus dw. ठीक है, dq is equal to du plus dw. एंड अगर मान लो कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाहर से आ गए,
या कुछ ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल अंदर से चले गए तो देयर विल बी अनदर टर्म विच इज माइनस म्यू डी एन, विच इज माइनस म्यू डी एन. म्यू इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल, जिसके बारे में धीरे धीरे करके चर्चा होगी. इट इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल. इट इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल. सो केमिकल पोटेंशियल विल बी एनर्जी एसोसिएटेड विद कुछ नंबर ऑफ, सम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटर्ड इन टू द सिस्टम और सम नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ्ट द सिस्टम. सो वो दैट पार्ट विल बी टेकन केयर बाय केमिकल पोटेंशियल. डायमेंशनली दिस इज जूल, दिस इज जूल, दिस इज जूल, दिस इज जूल. ऑब्वियसली डायमेंशनल एनालिसिस. सो केमिकल पोटेंशियल इज ऑल्सो एनर्जी, दैट इज ऑल्सो जूल. ओके, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. सपोज अभी हम लोग मान लेते हैं कि देर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो आई कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी. ओके, सो वर्क डन इज पी डी वी. वॉट इज स्मॉल वर्क, बताओ भाई. स्मॉल वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी एक्स. Yes or no? And dW is equal to F by A into ADX. So dW is equal to PdV. This is a small work. Correct? So this is small work, so I have written it here P, and this is called expendable work. This is called expendable work. Expendable work, because work done is because of expansion. Ek non-expendable work hai, which is VDP. Dimensionally to wo bhi work hi hoga. So, अगर मैं V और DP को मल्टीप्लाई कर दूं तो डाइमेंशनली तो ये भी वर्क ही है ना, बट दिस इज कॉल्ड नॉन एक्सपेंडेबल वर्क. क्या कहते हैं इसको? नॉन एक्सपेंडेबल वर्क. ठीक है, अब आपने क्लास टेंथ में पढ़ा है व्हाट इज द हीट. सो हीट इज डी क्यू इज इक्वल टू एन सी डी टी. ये आप क्लास टेंथ में पढ़ा है. ठीक है, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, सी इज स्पेसिफिक हीट, and dT is change in temperature. So I can write here nC dT is equal to dU plus PdV. Yes? और अगर मैं if volume is constant then dV will be equal to zero. dV is equal to zero. So can I write it like this? N CV dT is equal to dU. du is equal to ncv dt because pdv wala term kya ho gaya, zero ho gaya. So this can be used as a definition. This I will use as a definition of internal energy, and this energy of the gas
इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. मैंने लिखा नहीं शायद कहीं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. करेक्ट. तो ये जो इंटरनल एनर्जी है, फॉर आइडियल गैस आई विल यूज दिस बिकॉज पी डी वी जीरो हो गया एंड डी डी यू बिकेम एन सी वी डी टी. तो ये बताओ किस प्रोसेस में मैं ये यूज कर सकता हूं, इन विच प्रोसेस. हर प्रोसेस में, प्लीज रिमेंबर दिस, नॉट ओनली इन आइसोकोरिक. V is constant, क्योंकि ये मैंने डेफिनेशन बना लिया है. When V is constant, du is this. So this is gone here. V constant कहाँ चला गया? CV में चला गया. The V constant went in CV. So this I will use as a definition for ideal gas, all processes. Any type of process. In any type of process, I can use this. ठीक है? तो I am again telling you that theory is not important in thermodynamics. Only understanding can be done using. ये बात तो actually हर के लिए सही है. But बाकी सब में तो थोड़ा तो होता है derive करने वाला. यहाँ पे बिल्कुल ही problem based है. That's why sometimes students face problem कि कैसे handle करें. तो only way is कि जब आप question करना शुरू करोगे तो initially you will feel problem because this is new type of system, what should I understand, but after reading 50 odd questions you will understand everything कि किस किस टाइप के सिस्टम होते हैं और उनका क्या मीनिंग है. ठीक है ना? तो वहां तक आपको पहुंचना होगा. पहले ही नहीं, आपको सोच लेना होगा कि मुझे थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती. ठीक है? Easy topic to prepare, very less number of formula. If I compare it with EMT, in which every topic, whatever I will start, will have new kind of formulas. There also some symmetry exists, but itna jyada kam formula aur kisi bhi topic mein nahi hai. Very, very less. Okay? So, du is equal to CV dT. We will be using in all type of processes. Correct? All type of processes. So now let us calculate. So I want to calculate the work done because I will be using it everywhere. Ye jo DW wala term hai, work done. ठीक है? तो किस किस टाइप के प्रोसेस होते हैं, लेट अस क्विकली कैलकुलेट बिकॉज वी विल बी यूजिंग इट इन न्यूमेरिकल. वर्क डन, सो फर्स्ट प्रोसेस कैन बी, कौन सा प्रोसेस जो भी आपको वो ले सकते हैं, आइसोथर्मल. Isothermal process. Isothermal process is dT is equal to zero. Temperature remains constant. What is work done? Integral PdV. Work done is integral PdV. So take ideal gas. Ideal gas is PV is equal to mu RT or nRT. Correct? So W is equal to integral mu RT. P की जगह लिख रहा हूं dV by V. So that is equal to mu RT. Let us take from V1 to V2 the volume.
it will become mu r t ln v2 by v1. ठीक है. तुम बताओ क्या ले लें. एन चाहते हो तो एन लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. बताओ भाई, यू वांट टेन तो एन लिख देता हूँ. बट आपको रेडी रहना है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं एन ही यूज करूंगा. ठीक है, आपको हमेशा नए नोटेशन के लिए रेडी रहना है. आपके दिमाग में ये आपको नहीं प्रेशर रखना है कि आई विल यूज ओनली वन नोटेशन, बिकॉज इन एग्जाम एनी नोटेशन मे कम. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, सो लेट अस गो फॉर नेक्स्ट वन, दैट इज आइसो बारिक प्रोसेस. आइसोबारिक मीन्स प्रेशर कॉन्स्टेंट, डी पी इज इक्वल टू जीरो. सो डी डब्ल्यू इज पी डी वी, सो डब्ल्यू इज प्रेशर इज कॉन्स्टेंट इंटीग्रल डी वी वी वन टू वी टू. सो डब्ल्यू इज पी टाइम्स वी टू माइनस V1. ठीक है, थर्ड इज आइसो कोरिक प्रोसेस. आइसो कोरिक मीन्स DV इज जीरो, वर्क डन इज जीरो. एंड फोर्थ वन इज एडियाबेटिक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एडियाबेटिक प्रोसेस मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट. What is adiabatic equation of state for ideal gas? What is adiabatic equation of state for ideal gas? So it is P V to the power gamma is equal to constant. P V to the power gamma is equal to constant and gamma is called, gamma ko kya kehte hain? Adiabatic exponent. Which is actually, जो C लिखा था ना मैंने here, C I have written, so this is C P by C V, C P by C V. So what do you mean by C V? Constant volume. What do you mean by C P? Specific heat at constant pressure. So the ratio is known as gamma, which is called adiabatic exponent. So adiabatic exponent का मतलब किस प्रोसेस के लिए होगा? सारे प्रोसेस के लिए, बिकॉज हर गैस का गामा होगा. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द वर्ड. एडियाबेटिक एक्सपोनेंट विल बी
involved in all the process because gamma is related to a gas. It is hydrogen, it is chlorine. Sab gas ka gamma alag alag hoga. It is the property of the gas. Gamma is the property of the gas. Okay. For example, gamma for monoatomic gas is how much? Gamma for monoatomic gas is 1.67, and gamma for diatomic gas is 1.4. ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन. सो देयर इसके बारे में वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. ओके, सो दिस मच इज ओके. सो हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस. सो एडियाबेटिक प्रोसेस वी कैन डिराइव ऑल्सो फ्रॉम वेयर पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज कमिंग. And similarly, adiabatic equation for real gas. This is for ideal gas. PV to the power gamma is equal to constant. Ye mat bhulna. This is only for ideal gas. For real gas, it will be different. Theek hai? So, what is work done? Nikalein fatafat. एडियाबेटिक के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस डी क्यू इज इक्वल टू जीरो. डी डब्ल्यू is equal to PdV. PV to the power gamma is constant. So dW is equal to constant upon V to the power gamma dV. So W is equal to constant integral dv by v to the power gamma v1 to v2. Is it okay? ठीक है, समझ आ रहा है भाई सबको? So let us integrate this. So W is equal to constant V to the power minus gamma plus 1 upon minus gamma plus 1 V1 to V2, which is equal to constant upon 1 minus gamma V2 to the power minus gamma plus 1 minus V1 to the power minus gamma plus 1. Upper limit minus lower limit. Sorry? ठीक है, समझ आया नहीं? सो दिस विल बिकम, अब नाउ सी द कॉन्स्टेंट केयरफुली. द कॉन्स्टेंट आई एम टेकिंग इनसाइड, सो आई विल बी वेरी सेलेक्टिव बिकॉज P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power gamma is equal to constant. Yes or no? So this constant I will write here. When it comes here,
I will write it P2 V2 to the power gamma V2 to the power minus gamma plus 1. And minus, when it will be multiplied here, I will write it as P1 V1 to the power gamma V1 to the power minus gamma plus 1. So this will become 1 upon 1 minus gamma P2 V2 minus P1 V1. Also, work done will be 1 upon 1 minus gamma. What is P2 V2? NR T2 minus T1. So this is also formula. This is also formula. Understand this properly? हाँ जी बताइए. हाँ चंदन हाँ चंदन बताइए क्या कह रहे हैं. देखो ये कांस्टेंट जो है, ये जो कांस्टेंट है ये यहां मल्टीप्लाई होगा. यस सर. और ये यहां भी मल्टीप्लाई होगा. जब यहां मल्टीप्लाई हुआ तो इसी कांस्टेंट को मैंने P2 V2 टू द पावर गामा लिख लिया. ये देखते हुए कि यहां V2 है और यही कांस्टेंट जब यहां मल्टीप्लाई हुआ तो इसको मैंने बताओ चंदन P1 V1 टू द पावर गामा लिख लिया. और यहां पे ये तो समझ गए ना कैसे कट गया गामा. यस. या नहीं बताओ ना. बेस सेम है तो V2 गामा माइनस गामा प्लस वन. तो गामा गामा कैंसिल होके क्या बन गया V2 बन गया. नाउ इट इज ओके. यस सर. ये बड़ा थोड़ी सी चीज है बट बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे आपने सेम ही चीज को दो जगह अलग अलग यूज कर लिया. राइट. तो अब इतने से क्वेश्चन में भी वी कैन डू लॉट, मतलब इतने से ही पढ़ाई पे वी कैन डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ओके सो लेट अस ट्राई. जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं वो ये है कि लेट अस टेक अ प्रोसेस विच इज आइसोथर्मल. द प्रोसेस इज आइसोथर्मल. आइसोथर्मल. द गैस इज वंडरवॉल विद इक्वेशन पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर. इट इज गिवेन. द गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम वी वन टू वी टू. गेट मी द वर्क. वर्क डन लिखो. एसी चला दें क्या.
So let us calculate the work done. So work done is, small work done is PDV, yes or no? So this is work done is integral, P is RT upon V minus B minus A by V square and DV from V1 to V2. Process is isothermal, so RT ln V2 minus B upon V1 minus B plus A 1 upon V2 minus 1 upon V1. This is the answer. I have used integral dx by x is equal to ln x and integral 1 by x square dx is equal to minus 1 by x. Okay? So, yeah, this is a good question. कि आपने सीखा तो आइडियल गैस के लिए, बट इफ एनी न्यू इक्वेशन इज गिवन देन यू कैन क्विकली कैलकुलेट व्हाट इज द वर्क डन. करेक्ट है? नाउ आई विल डिफाइन few quantities which are very important. Almost हर बार exam में इससे question आता है. So those quantities are related to mechanical properties. अगर किसी gas को compress किया जाए तो हर gas की अलग अलग tendency होगी. मान लो same amount of force लगाएं तो कोई gas होगी जो ज्यादा compress हो जाएगी, कोई gas होगी जो कम compress होगी. So there will be difference in that. All those properties, mechanical properties of the gases are taken care by few coefficients and let us define them and let us calculate them. ठीक है? तो write some important mechanical terms. Mechanical quantities to understand thermal property of the gas. वो गैस आइडियल भी हो सकती है और वो गैस रियल भी हो सकती है या कोई और भी गैस हो सकती है. रियल मींस वंडर वॉल भी हो सकती है, कोई और भी गैस हो सकती है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. द फर्स्ट वन कोफिशियंट coefficient of volume expansion. Coefficient of volume expansion. It is defined by alpha and it is equal to 1 by V del V by del T at constant pressure. ठीक है, जरा ध्यान से देखना. It is del V by V. Del V by V means change in volume upon initial volume. Are you getting it or not? So how much volume has changed with respect to temperature upon original volume is coefficient of volume expansion. What will be its unit? Temperature inverse. Because volume and volume will cancel and it will become temperature
इनवर्स, समझ गए भाई? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम विल कैंसिल एंड इट विल बिकम टेम्परेचर इनवर्स, ठीक है? अब कैन यू कैलकुलेट इट फॉर आइडियल गैस एंड रियल गैस? सो सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट इट फॉर आइडियल गैस. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस? PV इज इक्वल टू nRT. व्हाट इज वॉल्यूम? इट इज nRT बाय P. वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है? nRT बाय P. सो डेल V बाय डेल T, डेल V बाय डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू nR बाय P. यस और नो? सो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज वन अपॉन वी एन आर बाय पी. एंड व्हाट इज एन आर बाय पी? इट इज वी बाय टी. वी एंड वी कैंसिल, अल्फा इज वन बाय टी. सी दिस एंड आस्क मी अ डाउट. मतलब यूज क्वेश्चन में, मतलब कितनी बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गैस है जिसकी ये इक्वेशन है और उसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा. कितनी बार, मतलब इवन नेट में भी पूछा जाता है, ये नहीं कि सिर्फ जैम में. अल्फा बीटा उनमें रिलेशंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना? तो तुम इसको अच्छे से समझ लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा तो आपको समझ भी आएगा कि कैसे करना है. ओके, अब जल्दी से रियल गैस के लिए निकाल दो. लेट अस कैलकुलेट इट फॉर रियल गैस. चंदन बताओ, आप समझ पा रहे हो? यस. तो कैन यू कैलकुलेट इट फॉर रियल गैस? रियल गैस के लिए आप निकाल सकते हो? रियल गैस की इक्वेशन मैं आपको बता देता हूं. P इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस B माइनस A बाय V स्क्वायर. ओके, लेट अस कैलकुलेट दिस साइड. P इज कॉन्स्टेंट, सो डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू T, कीपिंग P कॉन्स्टेंट. तो क्या हो जाएगा? जीरो इज इक्वल टू P इज कॉन्स्टेंट ना, तो P will become zero. I am differentiating this whole equation with respect to what? T. So R T के respect में करो, denominator का square, denominator derivative of numerator minus numerator derivative of denominator. ये वाला प्लस टू ए बाई वी क्यू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. प्लीज टेल मी इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट. डिफरेंशिएशन सबको समझ आ रहा है? तो अगर डिफरेंशिएट करना होता है ए बाई बी को तो कैसे करते हैं? बी का स्क्वायर बी डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ बी. यस, तो छोटी सी चीज है, अल्फा आपको पढ़ाया, उसकी डेफिनेशन बताई. इन एग्जाम दे कैन गिव यू अ न्यू इक्वेशन विच इज नॉट आइडियल गैस, विच इज नॉट वंडरवॉल गैस, बट ओनली डिफरेंशिएशन इज इन्वॉल्व, तो दैट यू शुड बी एबल टू डू, है ना?
तो अब जरा इसको सेपरेट करो, तो क्या हो जाएगा, 2a बाय वी क्यू डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस, और इसको तो बाहर रख लूंगा, दोनों में सेम है ना, डेल वी बाय डेल टी इज देयर ना, तो डेल वी बाय डेल टी एट पी इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, इज कॉमन 2a by vq, this one, minus trt upon, बोलिए, v minus b whole square. Are you getting it or not? Is equal to, कितना होगा? This I have managed. Now, इसको left side भेजना पड़ेगा. Minus r v minus b. नीचे कैसे, ये मैं इधर भेज दिया ना, लेफ्ट साइड, तो माइनस आर अपॉन वी माइनस बी. अब हो गया, so what is del v by del t at p is equal to, tell me, it will be r upon v minus b upon rt by v minus b whole square minus 2a by vq. This is your answer of this. Now what is alpha? Alpha is, bolo bhai, what is alpha? R by v v minus b upon rt by v minus b square minus 2a by V cube. This is the alpha. Check this. So this is called coefficient of volume expansion. We have calculated it for ideal gas. We have calculated it for real gas. Now the second one is isothermal elasticity. So इसी तरह से और भी कुछ चीजें defined हैं. All of them are mechanical properties. ठीक है? So second one is isothermal elasticity. Elasticity ET is equal to minus V del P by del V at constant temperature. Third, isothermal compressibility. Isothermal compressibility so that is beta t is equal to 1 by et, so ye kya ho jayega minus 1 by v del v by del p
at constant T. And then fourth one is adiabatic compressibility. Adiabatic compressibility. So that is beta S is equal to minus 1 upon V del V by del P at constant entropy. तो ये एंट्रोपी के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे. तो इस तरीके से सारी क्वांटिटीज हैं. तो क्या क्या आपको पता होना चाहिए? अल्फा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ईटी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, बीटा अल्फा इज अल्फा पी एक्चुअली ना, बीटा टी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड बीटा एस एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी. सो ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू कि कोई चीज कितनी कंप्रेस होगी, या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस जो एक तरीके से कहें, क्योंकि हर गैस का नेचर अलग होता है. आप किसी गैस को कंप्रेस करो, मान लो सेम अमाउंट ऑफ आप फोर्स लगा रहे हो, तो किसी में ज्यादा कंप्रेशन होगा, किसी में कम कंप्रेशन होगा. सो दीज ऑल आर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आता है. यू आर गिवेन एन इक्वेशन एंड दे कैन आस्क, और मान लो मैं चार ऑप्शन दे दूं कि दिस इज रियल गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और उसमें से एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, तो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया कि आपको सब आना चाहिए. देन ओनली यू कैन सेलेक्ट दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ठीक है, आई डोंट नो क्या मतलब ये है पेपर सेट करने वाले को, कि चाहे नेट का एग्जाम देख लो, चाहे जैम का एग्जाम देख लो, ये इन पैरामीटर्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है. ठीक है, मैनी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू विल फाइंड. ओके, चलो फिर अब इसके बाद जो है वो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं. तो इतना ही देखना है. सोचो, सी का डेफिनेशन इज स्पेसिफिक हीट इज डेल क्यू बाय, आई मीन डी लिखता हूं, डेल देख के घबराना नहीं है. सी इज डेल क्यू बाय डेल टी, दैट्स इट. दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. इफ इट बिकम सी वी, इट विल बिकम डेल क्यू बाय डेल टी एट वी, कॉन्स्टेंट वी. इफ इट बिकम सी पी, देन इट इज डेल क्यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी. ठीक है, दो बातें और बता देता हूं. देयर इज अ साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन. हीट एब्सॉर्ब, हीट लिबरेटेड. सो हीट एब्सॉर्ब इज नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव. हीट एब्सॉर्ब एंड हीट लिबरेटेड. सो देर आर फोर थिंग, राइट? फर्स्ट इज हीट एब्सॉर्ब, सेकेंड इज हीट लिबरेटेड, थर्ड इज वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड फोर्थ इज वर्क डन ऑन द सिस्टम. ठीक है,
हीट एब्जॉर्ब इज पॉजिटिव, हीट लिबरेटेड नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव. ठीक है, देर इज नो स्मार्ट लॉजिक इन्वॉल्व क्योंकि केमिस्ट्री में दूसरी तरीके से यूज कर लेते हैं. सो जस्ट इट इज अ कन्वेंशन, एक तरीका फॉलो कर लोगे तो एवरीबडी नोज. सपोज एज ए फिजिसिस्ट वी नो दैट इफ इट इज पॉजिटिव इट इज एब्जॉर्ब, तो दैट इज ओके. अगर नेगेटिव बनाया होता तो नेगेटिव से एब्जॉर्ब समझ जाते, तो हार्डली मैटर्स. लाइक डायरेक्शन ऑफ करंट, इट वॉज बेटर इफ वी वुड हैव टेकन इट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. लेकिन एक बार वो मान लिया गया तो अब नो बडी इज इंटरेस्टेड इन चेंजिंग दैट. ओके, कुछ चीजों के नाम गलत पड़ गए, ठीक है, कोई बात नहीं. सो एनी डाउट? अब यू विल बी सरप्राइज टू सी कि हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आर फॉर्म्ड ऑन दिस, बिकॉज सिस्टम की कोई लिमिट नहीं है ना, और है तो सिंपल प्लस माइनस, लेकिन प्लस माइनस में जो गलती हुई तो आंसर बिल्कुल अलग आ जाता है, राइट? सो लेट अस स्टॉप हियर, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. किसी को कोई डाउट तो नहीं भाई ऑनलाइन वालों में? नो सर. नो सर. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर.